अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ का भोड़ बराल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ भारी भरकम बिल्डिंग है, अच्छा खासा स्टाफ है, एम्बुलेंस भी है, लेकिन साथ ही हैं परेशान मरीज भी। इतना सब कुछ है लेकिन समय पर नहीं है तो सिर्फ चिकित्सक, वे चिकित्सक जिन पर मरीजों की सेवा करने का दायित्व तो है और बराबर इस काम के एवज में वह हर माह समय पर वेतन भी पाते हैं। बीती रात डिलीवरी के लिए पहुंची परेशान महिला तड़पती रही, रोती चिल्लाती रही, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। आरोप है कि 2 घंटे तक वह दर्द से परेशान रही और बराबर यह जवाब स्टाफ द्वारा मिलता रहा कि महिला चिकित्सक बस आने ही वाली है। फिलहाल सीएमओ ने इस मामले पर जांच बैठा दी है। आइए पहले सुनते हैं गर्भवती महिला के देवर की, जो उन्हें परेशान हाल में भोड़ बराल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया था। महिला तड़फ रही है, पीछे एम्बुलेंस भी खड़ी है, लेकिन सब बेकार। सर, मेरी भाभी की तबीयत खराब थी, यहाँ कम से कम लगभग 2 घंटे से खड़े हैं, कोई भी सुविधा नहीं हुई हमारी, और भारी ब्रांच पर लेटा रखा है। हमने मैम से बोला, मैम आ रही हैं, 2 घंटे हो गए, अभी तक तो आई नहीं आई। डिलीवरी की दिक्कत है, प्रेगनेंट है। तो आपको 2 घंटे हो गए, क्या कहा गया है? कोई सुविधा नहीं, बोल रही है आ रही हैं, अभी तक तो कोई आया नहीं है। 2 घंटे से बाहर लेटी हुई जी, बाहर ही लेटी हुई। बहुत तबीयत खराब है। तो क्या चाहते हैं? चाहते हैं इलाज होए हमारा, ये चाहते हैं। तो आपने इनसे कहा भी होगा, तो इन्होंने क्या कहा, क्या फाइनल हो गया? इन्होंने तो यही बोला, कोई थी उनकी मैडम से नीचे, वो बोल रही है, वो थी यहाँ पे कि मैडम को फोन कर रही हूँ, मैडम आ रही है, अभी तक तो आई नहीं मैडम। क्या नाम था सर, मैं भूल गया, नाम तो मेरे याद नहीं है, नाम क्या था। आज मीडिया द्वारा यह मामला सीएमओ डॉक्टर राजकुमार की जानकारी में लाया गया, तो उन्होंने यह कहा। प्रतापपुर के भूबराल के स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही सामने आ रही है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पेशेंट जो है वो हरसत पड़ा हुआ, क्या पूरा मामला है? जो देखिए, मैंने टेलीफोन से अभी पता किया उनसे, उसमें मामला ये है कि जो पेशेंट को रेफर किया गया था, अब वो बाहर ले आए थे, एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस पर दूसरी कॉल आ चुकी थी, उन्होंने कहा भूबराल 1 किलोमीटर गाँव है वहाँ, कि वहाँ पेशेंट छोड़ के मैं लौट के आ रहा हूँ, तब तक आप मरीज को बेड पर रखिए। लेकिन वो मरीज को बेड पर ना ले जाकर बाहर ही इंतजार करते रहे उसका, ये तो मुझे अभी पता लगा है। लेकिन MOIC से मैंने उसकी पूरी रिपोर्ट मंगाई है, रिपोर्ट आने के बाद अगर किसी की गलती होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।